खबर के साथ शुरुआत करते हुए बताते चले कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज बंद का आह्वान किया गया। दरअसल व्यापार मंडल ने आज बंद बुलाया है और दुकानों को दोपहर 1 बजे तक बंद करने का फैसला लिया गया है। दरअसल बुधवार को संजोली मस्जिद विवाद पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया और लाठीचार्ज भी किया था, और इसी के विरोध में व्यापारी संगठनों में आक्रोश है और उन्होंने आज दोपहर 1 बजे तक इसके विरोध में दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है, जिसका शिमला में असर भी देखने को मिल रहा है। दुकानों के शटर डाउन है। कारोबारियों का कहना है कि वो चाहते हैं कि अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए और अवैध तरीके से जो बाहरी लोग वहां रह रहे हैं उन्हें हिमाचल प्रदेश से बाहर किया जाए। तो शिमला से बड़ी खबर, व्यापार मंडल ने शिमला बंद का किया ऐलान। दोपहर 1 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। 5 मंजिला मस्जिद बनाई जा रही है और इसी मस्जिद पर चल रहा है विवाद। हिंदू संगठनों को अपनी आवाज, अपने हकों के लिए आवाज उठानी पड़ती है, सड़कों पर उतरना पड़ता है और शांति पूर्वक जो प्रदर्शन था उस पर लाठी चार्ज और उसके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, इससे दिखता है हिंदुओं की आवाज को कुचलने में कहीं भी कांग्रेस की सरकार पीछे नहीं है। ये तानाशाही रवैया, सनातन विरोधी कांग्रेस की मानसिकता बार बार देखने को मिली है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज हिंदू संगठनों को कुचलने का काम किया जा रहा है। संभावना पहले से लग रही थी कि हिंदू समाज में आक्रोश है और इसलिए हमने विधानसभा के अंदर इस मामले में कहा था कि इसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सरकार गंभीरता से ले और समाधान की दिशा में क्या किया जा सकता है उस तरफ आगे बढ़े, लेकिन सरकार ने गंभीरता से लिया नहीं। और मैं देख रहा था कि 163 का ने यहाँ नोटिफिकेशन के इम्पोज किया यहाँ पर सारी चीज़ को लेकर के कि भी यहाँ लोग ना आए, 5 से ज़्यादा लोग ना पहुँचे, लेकिन उसके बावजूद लोग हजारों की संख्या में पहुँचे। और अब आपको बताते हैं कि दरअसल शिमला में विवाद क्या। दरअसल शिमला में कथित रूप से अवैध मस्जिद के खिलाफ जिस जंग की शुरुआत कांग्रेस ने सदन में की थी और वो सड़कों पर देखने को मिली है, कल उसी मस्जिद के खिलाफ शिमला की सड़कों पर लोगों का जनसैलाब उतर गया। एक तरफ जहां प्रदर्शनकारी मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, तो वहीं दूसरी तरफ उस भीड़ को रोकने के लिए शिमला की पुलिस फोर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और मार्च निकाल रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसी पर देखें यह रिपोर्ट। हिमाचल की धरती पर महासंग्राम, शिमला में मस्जिद के विरुद्ध धर्मयुद्ध, संजौली में मस्जिद पर महाभारत। शिमला के संजौली में जिस मस्जिद को हटाने की मांग पुरजोर हो चली है, जिस मस्जिद के खिलाफ हजारों लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं और जिस मस्जिद का मुद्दा विधानसभा के भीतर भी गूंज चुका है, वो मस्जिद का विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ बल्कि 1.5 दशक पुराना है। पिछले 14 बरस से शिमला नगर निगम में संजौली मस्जिद के खिलाफ केस चल रहा है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक संजौली की मस्जिद स्थानीय लोगों की नजर में खटकने लगी? ऐसा क्या हुआ कि अब लोग संजौली में इस मस्जिद को हटा देने पर आमादा हैं? और ऐसा क्या हुआ कि सूबे में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा के भीतर मस्जिद को अवैध बताकर इसके 4 फ्लोर गिराने की मांग कर डाली? रोज नए लोग आ रहे हैं, मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए। पिछले महीने यानी 30 अगस्त को शिमला के एक बाजार में 2 लोगों के बीच हुई लड़ाई अब संजौली में मस्जिद हटाने की जिद पर आ गई है। दरअसल 30 अगस्त को आरोप लगा कि एक मुसलमान ने एक स्थानीय दुकानदार के साथ हुए विवाद में उसका सिर फोड़ दिया, जिसके बाद आसपास के दुकानदारों ने मिलकर आरोपी मुसलमान की पिटाई कर दी। कुछ देर बाद आरोपी मुसलमान अपने 5-6 साथियों के साथ लौटा और पिटाई करने वाले लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारपीट करने लगा। इसके विरोध में जब लोग एकजुट हुए तो आरोपी अपने साथियों के साथ भाग निकला। लोगों ने पता लगाया कि ये लोग कौन थे, तब पता चला कि ये सभी संजौली की मस्जिद से आए थे। उसी दिन से संजौली की मस्जिद स्थानीय लोगों की नजरों में आ गई।
सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खुद विधानसभा में कहा था कि दुकानदार से मारपीट करने वाले लोगों में 5 लोग बाहरी थे जो यूपी के मुजफ्फरनगर से आए थे। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि हिमाचल में बाहरी लोग आकर आतंक फैला रहे हैं। इसके बाद संजौली मस्जिद के बाहर लोगों ने धरना शुरू कर दिया, भजन कीर्तन होने लगे। धीरे धीरे मस्जिद को हटाने की मांग तेज होती गई और एक के बाद एक हिमाचल प्रदेश में 3 मस्जिदों को अवैध बताकर फौरन हटाने की मांग होने लगी। संजौली मस्जिद के बाद कुसुमपट्टी और उसके बाद मंडी में बनी मस्जिद को अवैध बताकर लोगों ने उन्हें हटाने की मांग तेज कर दी। इन तीनों मस्जिदों के बाहर स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। 6 सितंबर को हिमाचल विधानसभा में बीजेपी ने संजौली मस्जिद का मुद्दा उठाया, जिस पर सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जवाब देते हुए खुद ये माना कि संजौली मस्जिद का निर्माण बिना परमिशन के हुआ है, मस्जिद के प्रपोज्ड मैप में खामी है। कोर्ट केस के दौरान मस्जिद के 4 फ्लोर अवैध तरीके से बनाए गए। नगर निगम कोर्ट में चल रहे केस में वक्फ बोर्ड को 2023 में पार्टी बनाया गया। अनिरुद्ध सिंह ने दावा किया कि जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास है और उन्होंने विधानसभा में अपनी ही सरकार के सामने ये मांग रखी कि संजौली मस्जिद के 4 अवैध फ्लोर गिराए जाएं। संजौली मस्जिद के खिलाफ सरकार का कड़ा रुख देखकर वक्फ बोर्ड भी बैकफुट पर आ गया। शिमला वक्फ बोर्ड की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें बताया गया कि मस्जिद के 4 फ्लोर अवैध तरीके से बनाए गए हैं। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद वक्फ बोर्ड ने पूरी मस्जिद को अपने अधीन ले लिया। मस्जिद के आसपास बाहरी मुसलमानों के कब्जे हटा दिए। 15 साल से संजौली मस्जिद में नियुक्त इमाम को भी हटा दिया गया और संजौली मस्जिद में बाहरी लोगों के ठहरने पर रोक लगा दी गई। स्थानीय लोगों ने और सरकार ने सवाल पूछे कि सरकारी जमीन और संजौली मस्जिद का नक्शा कैसे पास हो गया। कोर्ट केस के दौरान पिछले 7 साल में संजौली मस्जिद के 4 फ्लोर कैसे बन गए? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। वक्फ बोर्ड ने भी इन सवालों पर चुप्पी साध रखी है। और